जंगल में नर कंकाल मिलने से मची सनसनी। पास में मिले आधार कार्ड से हुई पहचान। 4 अक्टूबर से लापता था युवक, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आपको बता दें कि शनिवार को मऊगंज थाना अंतर्गत ग्राम अतनी के पास दुधमनिया के जंगल में नरकंकाल मिलने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने नरकंकाल देखा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना लगने के बाद पुलिस एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मौके से पुलिस को एक आधार कार्ड मिला है, जिससे उसकी पहचान हुई है। मृतक का नाम विकास गिरी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 23 साल की है, जो मऊगंज थाना क्षेत्र के ग्राम चोरिया का है रहने वाला, जो 4 अक्टूबर को लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। उसका नरकंकाल शनिवार को उसके घर से 3 किलोमीटर दूर जंगल में मिला है। फिलहाल पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है। इस दौरान परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है, जिसमें कुछ संदेहियों का नाम भी सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस हर मामले की जांच कर रही है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये अक्टूबर माह में एक व्यक्ति गुमा हुआ था, उस समय भी उसके परिजनों के द्वारा कुछ आशंका व्यक्त की गई थी, तो पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास भी किए गए थे। जिन लोगों के ऊपर शंका थी उनसे पूछताछ भी की गई थी। आज जब पुलिस को खबर मिली तो ये दुधमनिया के पास जो जंगल है उस एरिया में उसका शव मिला था और उसकी पहचान हुई। इसके पास जो कपड़े थे, कपड़ों की जेब में उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, उस डॉक्यूमेंट से पहचान हुई कि ये विकास गिरी नाम का ही बंदा है जो अक्टूबर माह में गुमा था और जो छुया के पास का रहने वाला है। और ये लगभग अक्टूबर माह में घूमने के बाद से इसके परिजनों के साथ में पुलिस ने लगातार प्रयास भी किए थे। पुलिस उसके परिजनों ने कुछ शंका भी व्यक्त की है, उन जिनके ऊपर शंका व्यक्त की है, पुलिस ने उनको भी अभी रक्षा में नहीं ले रखा है और लगातार पूछताछ भी कर रही है। संज्ञान में ले लिया गया और आवश्यक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।